झारखंड में इस समय विधानसभा चुनाव की खूब शोर सुनाई दे रही है। झारखंड चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम के प्रत्याशी के तौर पर गुरुवार अपना नामांकन दाखिल किया। हेमंत सोरेन ने साहेबगंज जिले के बरहिट विधानसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने अपने शैक्षणिक योग्यता का भी खुलासा किया। हेमंत सोरेन ने खुद अपने चुनावी हल्फनामे में बताया है कि आखिर वह कितने पढ़े लिखे हैं। हेमंत सोरेन ने बताया कि उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की है। उन्होंने यह जानकारी विधानसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय दी। उन्होंने बताया कि 1994 में पटना विश्वविद्यालय से साइंस में इंटरमीडिएट की डिग्री ली। बता दें कि हेमंत सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी है। वहीं वह झारखंड के दिशोम गुरु कहे जाने वाले शिबू सोरेन के पुत्र भी हैं। हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग को दिए अपने शपथ में पत्नी कल्पना सोरेन का भी जिक्र किया। हेमंत सोरेन ने बताया कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी राजनीति में सक्रिय है। वह गांडे विधानसभा सीट से विधायक है। बता दें कि हेमंत सोरेन ने अपने बड़े भाई दुर्गा सोरेन के आकस्मिक निधन के बाद राजनीति में प्रवेश किया था। तब से वह झारखंड की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं। हेमंत सोरेन का राजनीतिक करियर उनके पिता शिबू सोरेन की विरासत से जुड़ा है, जिन्होंने झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हेमंत सोरेन ने भी आदिवासी हितों के लिए आवाज उठाई है और झारखंड के विकास के लिए काम करने का वादा किया है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने इस डाटा में यह भी बताया कि उनके पास कितने रुपए की संपत्ति है। निर्वाचन आयोग को दिए गए शपथ पत्र के अनुसार हेमंत सोरेन की कुल संपत्ति 2.59 करोड़ रुपए से अधिक की है। हेमंत सोरेन के पास 45,000 कैश है, जबकि विभिन्न बैंकों में हेमंत सोरेन 74.24 लाख रुपए जमा है। हेमंत सोरेन ने बॉन्ड और शेयर में 5.24 लाख रुपए का निवेश किया है। इतना ही नहीं, उनके पास 76 लाख रुपए कर्ज भी है। वहीं हेमंत सोरेन के पास एक तो पत्नी कल्पना सोरेन के पास 4 लग्जरी कारें हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।